शिकार के तलाश में हूँ। ना कोरोना ही कोरोना, मैं शिकार के तलाश में हूँ। जो कोई घर से बाहर निकलेगा उसको मैं शिकार करूंगा। ना कोरोना ही कोरोना, उसका भी मैं यही हाल करूंगा, उसका भी मैं यही हाल करूंगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इतने दिन से लॉकडाउन में सबके सब घर पे हैं, घर के अंदर से किसी को बाहर नहीं जाने मिल रहा है। और हमने अभी व्हाट्सएप पे देखा भी होगा कि जितने लोग घर पे हैं, प्रायः हमारे जो मेल जो हैं सोसाइटी के, वो लोग भी आजकल कुछ नया नया ट्राई कर रहे हैं, वो लोग घर पे नई नई डिशेस ट्राई कर रहे हैं। तो हम लोग ने सोचा और साथ में पुलिस टीम ने भी सोचा हमारे साथ कि जब इतना सारा लोग खा रहे हैं तो जब कोरोना ख़त्म होगा तो काया ही पलट हो जाएगी ऑब्वियसली। तो वो चाहते थे कि एक हेल्दी लॉकडाउन हो। कोरोना और खाने दोनों को खत्म करना। यस, जो हमने खाया और जो हमने इतने दिन एक्युमुलेट किया अपनी बॉडी में, उसका आउटफ्लो बहुत जरूरी था। आउटफ्लो बहुत जरूरी था और सबसे ज्यादा लोग बाहर निकलने को देख रहे थे, कुछ एंटरटेनिंग हो जाए वो देख रहे थे। तो ये एक जरिया था कि लोग कुछ करें बट वो कुछ प्रोडक्टिव हो, अननेसेसरी ना हो, उनका एनर्जी बाहर निकाले ताकि उनका फ्रस्ट्रेशन खत्म हो, उनको मेंटली थोड़ा सा रिलैक्सेशन देना जरूरी था, क्योंकि पेशेंटली ही कोरोना से लड़ा जा सकता है। तो इस पेशेंस को बरकरार रखने के लिए शासन और हमारी टीम ने ये तो कोशिश की कि घर में रह के उनका पेशेंस को रिलैक्सेशन में कन्वर्ट किया जाए, ताकि आगे के और दिन हम लोग मोदी जी को, हमारे शासन को सपोर्ट कर सकें। थोड़ा डांस, थोड़ा हल्का फुल्का माहौल देंगे तो उन लोग इतने रिलैक्स होंगे कि आगे और कोरोना से लड़ने के लिए उनको भी ताकत मिलेगी और सबको बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन भी मिलेगा और फिटनेस भी मिलेगा। सर, मेरा नाम दिव्या ठक्कर है। हाँ, मेरा नाम दक्ष ठक्कर है। हम लोग की इंस्टीट्यूट का नाम है जस्ट डांस। देखिए, पिछले 21 दिनों से लॉकडाउन चल रहा था, उसके बाद 19 दिन का और लॉकडाउन था, तो लोगों में कहीं ना कहीं पे शिथिलता आने लगी थी। तो राजनांदगांव पुलिस, जो कि सदैव लोगों के साथ जुड़ी हुई है, तो हमने ये छोटा सा प्रयास किया कि जुम्बा के माध्यम से लोगों को उनके घर में रहते हुए एक्सरसाइज कराएं, ताकि लोग अपने अपने घरों से, अपने अपनी बालकनी से इस जुम्बा को देख कर प्रैक्टिस कर सकें, एक्सरसाइज कर सकें, और लोगों में उत्साह बना रहे कि जो पुलिस है वो उनके द्वार पे है, उनके बीच में है, और कोरोना और जनता के बीच में राजनांदगांव पुलिस खड़ी हुई है।